वेल नाउ इट्स ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल, मॉडल लिखा नहीं है तो ध्यान रखना, दिस इज द मॉडल ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन हियर, बेसिक टीचिंग मॉडल। ओके, तो इसे भी क्या कहते हैं हम, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। रॉबर्ट ग्लेजर डेवलप्ड दिस मॉडल इन 1962। रॉबर्ट ग्लेजर ने इस मॉडल को डेवलप किया था 1962 में। It explains the relationship between teaching and learning. ये relationship बताता है कि teaching और learning में क्या relationship है। It provides a simple and adequate conceptualization of teaching process. किस तरह से teaching की या शिक्षण की प्रक्रिया चलेगी उसके बारे में पूरा concept clear करता है ये। This model belongs to the category of psychological models of teaching. One of the most important thing is this, कि यह जो है मनोवैज्ञानिक मॉडल है, कौन सा, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल मॉडल। तो इसे बेसिक टीचिंग मॉडल क्यों कहते हैं, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्यों कहते हैं? फॉर दिस वी हैव सम ऑफ द पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज कॉल्ड बेसिक टीचिंग मॉडल बिकॉज इट प्रेजेंट्स अ वेरी बेसिक एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग। यस, शिक्षण के जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनके बारे में कंप्लीट या विश्लेषण करता है और शिक्षण की प्रक्रिया में जो हमारे बेसिक टर्म्स हैं, जो हमारे टर्म्स हैं, उनका कंप्लीट विश्लेषण करता है। दूसरा, दिस मॉडल अप्लाइज टू ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, दैट इज एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन एटसेट्रा। इट इज ऑल्सो अप्लाइड टू सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, एज अ टीचर कैन यूज दिस मॉडल फॉर टीचिंग देम। अर्लियर हमने जो किया था कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, केवल कंसेप्ट को अटेंड करने के लिए, केवल संपत्ति का ज्ञान लेने के लिए, ठीक है। और दूसरा था हमारा इंक्वायरी मॉडल जो है आपका, तो जिसमें हम केवल पूछताछ का प्रशिक्षण प्रतिमान, लेकिन यह प्रतिमान, यह मॉडल जो है हर स्टैंडर्ड में यूज किया जा सकता है, चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा हो। और यह सब्जेक्ट मैटर को जो है बड़े अच्छे ढंग से इसमें प्रस्तुत किया जाता है। इट इज ऑल्सो अप्लाइड टू सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट। एक कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, या केवल पूछताछ के बारे में नहीं, बल्कि पूरा कंप्लीट मैटर जो है हम आराम से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज टीचिंग फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, 40 मिनट्स, 1 आवर, वीक एटसेट्रा इज पॉसिबल यूजिंग दिस मॉडल। इट एक्सप्लेन्स द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय डिवाइडिंग इट इनटू 4 बेसिक कंपोनेंट्स। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स तो अभी करेंगे इसके बाद में, लेकिन इससे पहले आपने चाहे 40 मिनट की क्लास लेनी है या एक घंटे की क्लास लेनी है या पूरे वीक में लेनी है, तो उसको बराबर तरीके से डिवाइड करके किस हिसाब से कितना क्या करना है, यह जो है मॉडल बताता है। नाउ एजम्पशंस ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल, इसके पीछे जो एजम्पशंस हैं या इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस, वो क्या है। It is developed on the assumptions that every lesson assumes some knowledge on the part of the learner. Pahla part. Kuch bhi hum padhate hain, koi bhi lesson lete hain, to usse kuch na kuch knowledge milta hai. Theek hai? Dusra. Through instructional procedure, the teacher guides the learner from entry behavior to terminal behavior. One of the most important thing is that two type of behavior, entry behavior and terminal behavior. जब टीचर पढ़ाना शुरू करता है उससे पहले जो है शिक्षार्थी का क्या व्यवहार था और जब उसने पढ़ाया उसके बाद क्या व्यवहार हुआ। दो टू बिहेवियर्स आर हियर, वन इज द एंट्री बिहेवियर, अनदर इज द टर्मिनल बिहेवियर। तो अभी बात करते हैं हम कि इसके चार कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के घटक टोटल चार है। The basic teaching model was developed by Robert Glaser in 1962 on the basis of psychological principles. इस प्रतिमान का निर्माण रॉबर्ट ग्लेजर ने 1962 में किया। It is termed as basic because it tries to explain the whole teaching process in an appropriate way, dividing it into the following 4 basic components or parts. तो उसने इस प्रतिमान में मनोवैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों का शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग किया है। इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षण प्रयोग किया गया है। इस प्रतिमान को ग्लेजर ने चार बुनियादी घटकों में बांटा है, ठीक है। ये चार जो है जो बुनियादी हैं,
वो क्या क्या है घटक, उस घटकों की हम बात करते हैं। तो पहला है आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जो हमने अनुदेशन करना है, जो हमने शिक्षण करना अनुदेश, उसके क्या उद्देश्य होंगे। फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू गो थ्रू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। सेकेंड पॉइंट है एंटरिंग बिहेवियर, पूर्व व्यवहार, जो लर्नर है उनका पहले वाला व्यवहार क्या था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, अनुदेशात्मक प्रक्रिया, परफॉर्मेंस असेसमेंट, और उसके बाद उपलब्धि मापन, जो हमने किया बच्चों का उसमें कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई। नाउ वन बाय वन वी गो, फॉर फर्स्ट इज द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या अनुदेशनात्मक उद्देश्य। द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इज दोस दैट द स्टूडेंट शुड अटेन अपॉन कंप्लीशन ऑफ अ यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन। These objectives may be stated in general, specific, or in behavioral terms. For instruction to be effective and systematic, the instructional objectives are stated in behavioral terms. अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो छात्रों को शिक्षण के पूर्व करनी चाहिए। इसे ज्ञानार्जन भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के उद्देश्यों को अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। इस प्रतिमान के इस तत्व में हमें यह पता चलता है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक कथनों में बदलकर किस तरह लिखा जा सकता है। इस प्रक्रिया को कार्य विवरण भी कहते हैं। इस तत्व द्वारा स्कूल, शिक्षक तथा विद्यार्थियों के उद्देश्यों में भी अंतर किया जा सकता है, अर्थात स्कूल के उद्देश्य, शिक्षक के उद्देश्य और विद्यार्थियों के उद्देश्यों में विभेदीकरण किया जाता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज Entering behavior या पूर्व व्यवहार। Every learner has initial behavior before he enters teaching-learning process. It is essential to detect the entering behavior of the learner before giving instructions. It is just like previous knowledge of a subject or performance of the learner in a terms of educational abilities. This step is important because only after this step the teacher can take the students from entry behavior to terminal behavior. पूर्व व्यवहार से अभिप्राय विद्यार्थियों की उन योग्यताओं पूर्व व्यवहार से अभिप्राय विद्यार्थियों की उन योग्यताओं अथवा व्यवहारों से है जो पाठ्यवस्तु की समझ के लिए अति आवश्यक। साधारण शब्दों में अध्यापक की आशा अनुसार भविष्य में स्तर ग्रहण करने के संदर्भ में विद्यार्थियों के ज्ञान तथा कौशल का वर्तमान स्तर पूर्व व्यवहार होता है। पूर्व व्यवहार वहीं पर होगा जहां से अनुदेशन का प्रारंभ होगा, दैट मीन जहां से टीचिंग शुरू होगी या यहां से इंस्ट्रक्शन शुरू होगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। इट इज द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। इट इंडिकेट्स द मेथड, प्रोसीजर एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग व्हिच डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड एंट्री बिहेवियर ऑफ द लर्नर। This component depends on two previous components. अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का अर्थ शिक्षण की वे प्रक्रियाएं जो पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। That means it's the presentation of the teacher before students. अनुदेशनात्मक प्रक्रिया शिक्षण का क्रियात्मक पक्ष कहलाता है। इस पक्ष में विभिन्न विधियां, प्रविधियां, व्यूह रचनाएं आदि का प्रयोग सम्मिलित है। That means we use many teaching techniques, maxims, teaching methods, तो अलग अलग हम जो है ये यूज करते हैं। संक्षेप में इस तत्व या पद में वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जो किसी पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयुक्त होती है। Now the last and fourth point is performance assessment. उपलब्धि मापन। हमने पढ़ा तो दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, कितना अचीवमेंट हुआ, तो ये जो है परफॉर्मेंस असेसमेंट के द्वारा होगा। Here, ultimate behavior of the learner is tested so that the feedback may be given. If the need arises, objectives may be modified, the instructional procedure may be improved, and assessment of performance is made again. Evaluation techniques used for the purpose of assessment test are observation, interview, grading scale, etc. All four basic components are interrelated with one another. They interact and influence each other. If the performance assessment indicates that the learner have not been able to achieve the objectives set for them, necessary changes are brought about in any one of or all preceding components of this model so that the goals of instructions are attained.
उपलब्धि मापन के अंतर्गत परीक्षा एवं निरीक्षण विधियों के आधार पर शिक्षक निर्णय लेता है कि कहां तक छात्रों को विषय वस्तु का स्वामित्व प्राप्त हो सका है। अर्थात जो हमने पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य का निर्धारण किया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हमें कहां तक प्राप्त हुई है। यह स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो उसमें सुधार लाना चाहिए, उसके लिए क्या सुधार होगा वो देखेंगे। तो इसके लिए एक ही आपका स्कीमेटिक डायग्राम दिया है। सबसे पहले अनुदेशनात्मक उद्देश्य, पूर्व व्यवहार, अनुदेशात्मक प्रक्रिया और निष्पत्ति मूल्यांकन। तो इस तरह से तो जब फीडबैक लेते हैं, फीडबैक सबसे देखते हैं कि हमारे उद्देश्य क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद उनका एंट्रिंग बिहेवियर क्या था, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर क्या था, और लास्ट में उसका वैल्यूएशन कि हमारे उद्देश्य जो थे किसी चैप्टर को पढ़ाने के लिए या किसी लेसन को पढ़ाने के लिए या किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, क्या वह हमें प्राप्त हुए हैं या नहीं। नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्शंस ऑफ ग्लेजर्स बेसिक ट्रेनिंग मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल, नॉट ट्रेनिंग, बेसिक टीचिंग मॉडल। तो हियर यू हैव टू डू एज द टीचिंग मॉडल। तो आपको पता है कि हमने बोला किसी भी मॉडल में आपको 5 हेडिंग्स अच्छी तरह से याद करनी है। पहला फोकस, सेकेंड इज सिंटैक्स, उसके बाद सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और उसके बाद एप्लीकेशन। तो ग्लेजर का जो बुनियादी प्रतिमान, शिक्षण प्रतिमान है, उसके आधार पर देखते हैं। तो फर्स्ट इज द फोकस। This model attempts to pinpoint the process and major activity comprising the entire teaching learning process. It also brings into the life sequence to be followed in the instructional process. हमने पढ़ाने के लिए क्या-क्या करना है और उनमें हमने किन उद्देश्यों का निर्धारण करना है और कहां पर हमने उसमें पिन पॉइंट, मतलब कहां उसको हमने जोड़ देना है। तो ये इसका उद्देश्य होगा। उसके बाद सिंटैक्स, संरचना। In this model, flow of activities is sequential as listed. The first is the objectives to be followed are fixed in accordance with Bloom's taxonomy. तो पहला जो है इसमें जो संरचना की बात करते हैं, तो 1 by 1 इसमें 4 स्टेप हैं। पहला है आपका उद्देश्यों का निर्धारण, ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण करना किसके आधार पर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर। उसके बाद सेकंड, देन द एंटरिंग बिहेवियर शोइंग द अंडरस्टैंडिंग एंड बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट इज डिटरमाइंड। बच्चों का जो पूर्व व्यवहार देखा जाता है कि क्या वह उस चीज को समझने के लिए, सुनने के लिए या उसको करने के लिए तैयार है या नहीं है, क्या उनकी कैपेसिटी इतनी है, आर दे एबल। कहीं ऐसा तो नहीं कि पांचवी क्लास के बच्चे को हम जो 10वीं क्लास का सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमने देखना है उनका व्यवहार, पूर्व व्यवहार कैसा है। उसके बाद देयर आफ्टर द इंस्ट्रक्शन वर्क इज कैरीड आउट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स कीपिंग इन व्यू द एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द लर्नर। उसके बाद जो है क्या करते हैं हम, जो है फिर हमारा इंस्ट्रक्शन का काम हो जाता है या टीचिंग का काम हो जाता है, और लास्ट में हम क्या कर देते हैं, द अल्टीमेट बिहेवियर ऑफ द लर्नर इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। फिर टेस्ट के बाद ये 4 चीजें सिंटैक्स में जो है आपने देखा कि दिस इज सिंटैक्स, जहां पर ये मॉडल बात करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद एंटरिंग बिहेवियर, उसके बाद इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और लास्ट में इवेल्युएशन। ये सारा चारों के चारों किस्म आएंगे सिंटैक्स में। उसके बाद सोशल सिस्टम, यू नो दैट इन सोशल सिस्टम देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स, वन इज द टीचर एंड अदर इज द टॉट, दैट इज टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो सोशल सिस्टम में क्या है यहाँ पर, द मॉडल डिस्क्राइब्स अ टीचर डोमिनेटेड क्लासरूम क्लाइमेट, हियर स्टूडेंट्स आर रिसेप्टिव and appreciative of the teaching activities. The success of this model depends upon the competency and ability of the teacher in term of various skills like formulation of objectives, use of proper strategies, techniques of evolution. Social, यहाँ हम सामाजिक प्रणाली का की बात करते हैं मास्टरी लर्निंग मॉडल में, सॉरी ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल में। यहाँ टीचर ऑल इन ऑल है। क्यों ऑल इन ऑल है, टीचर डोमिनेट करता है, प्रभावी रहता है। क्यों रहता है, क्यों, टीचर ने उद्देश्य का निर्धारण करना होता है, टीचर ने ही जो है सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाने के लिए टीचिंग एड्स, टीचिंग डिवाइसेस, टीचिंग मेथड्स इनका प्रयोग करना होता है। तो इसलिए सोशल सिस्टम में इट इज टीचर डोमिनेटेड। अगला आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शंस आर प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर आधारित रहना। द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेस आर टू बी अंडरस्टूड एंड dealt with in the light of the interaction and interdependence,
प्रोसेस एंड असेसमेंट्स। उसके बाद जो है दैट इज इंटरडिपेंडेंट, टीचर और बच्चे दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। सेकंड द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। लेकिन उसके बाद जो है एक्टिव सहभागी जो है इन्वॉल्वमेंट में उसमें भाग लेना, सक्रिय भाग लेना। प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस मॉडल requires a lot of activity on a part of the teacher. The model requires active involvement of the teacher from the beginning of to the end. Understanding of the potential and deficiencies of the students is required at every stage of the teacher in order to achieve the objectives. और उसके बाद last point होगा इसका principle of follow-up. कौन सा? Principles of follow-up. Follow-up का सिद्धांत, follow करना, चीज करना, ठीक है? An assessment is made after teaching in case the results are not accordance with the set objectives, gaps and deficiencies are found out by the teacher. Then he tries to rectify the drawbacks by taking corrective measures. So, क्योंकि बच्चों को जब तक follow नहीं करें तब तक teacher को पता नहीं चलेगा कि उद्देश्यों के प्राप्ति कहाँ तक हुई है. That means जो chapter हमने पढ़ाना था, जो lesson हमने पढ़ाया या जो भी हमने teach किया उसको पढ़ाने पर हम क्या चाह रहे थे बच्चों से कि क्या हमारे उद्देश्य प्राप्ति को, यदि उद्देश्य प्राप्ति होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उस कमी को दूर कर। इसके बाद है आपका सपोर्ट सिस्टम। The teacher needs following support system for its success. The first one is proper environment. उचित वातावरण का होना बहुत जरूरी है। Proper teaching, learning environment and situations are required for the use of suitable teaching strategies. Second, pre-service and in-service facilities. और टीचर के लिए दोनों सुविधाएं, प्री सर्विस और इन सर्विस। दैट मीन टीचर बनने से पहले जो है, टीचर बनने से पहले वह सेवा की उसको क्या क्या करना चाहिए टीचिंग में, और टीचर बनने के बाद भी जैसे आपका सेमिनार है, रिफ्रेशर कोर्स हो गए, ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया, इनकी व्यवस्था। और सी है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट evolution devices for the assessment of entering and internment behavior of student support system में, अर्थात मूल्यांकन के लिए कि वो सारी चीजें कि हमें पता चल पाए कि हमारा जो मॉडल जो हमने पढ़ा है इस मॉडल के द्वारा या हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वह सही था या नहीं था, यदि कहां कमी रह गई है। एंड लास्ट इज द एप्लीकेशन। सिंस द मॉडल इज क्वाइट सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड, इट इज एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल द लर्निंग एंड टीचिंग सिचुएशंस। It implies a personal context between the teacher and the student. It implies a greater emphasis on the competency of the teacher rather than on his personality. So teacher ki competency par zyada hai ye nahi ki woh jo hai kis par ho ki uski personality par nahi balki uski competency par ki teacher kis tarah se prabhavi roop se teaching kar sakta hai. So I think that it's enough for this day.